स्वामी गर्ल्स पेन निगम मित्तल राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सांगाली में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपको नेक्स्ट स्लीव लेगो मटन स्लीव के बारे में बताना चाहूंगी। लेगो मटन स्लीव को बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसे हम लेग ऑफ मटन स्लीव क्यों बोलते हैं। हैव यू हर्ड अबाउट वर्ड मटन? मटन का मतलब होता है द मीट ऑफ लैम्ब और शीप और गोट। तो इसीलिए हम क्योंकि इस स्लीव का जो शेप है वो लैम या शीप के जो हिंड लेग होता है, पीछे वाला जो पांव होता है, उसके समान दिखाई देता है, इसलिए हम इसे लेग ऑफ मटन स्लीव या लेग ऑफ लैम स्लीव भी बोलते हैं। अब जैसे कि आप सभी लोग राजस्थान के लोग हैं, आप सभी लोगों ने शीप देखा होगा। अब इसका नाम सुनते ही आपके दिमाग में स्लीव का शेप की इमेज क्रिएट हो जुड़ी कि स्लीव का शेप कैसा होता है। ऊपर से आपने देखा होगा कि वो थोड़ा सा फूला हुआ होता है, जैसे कि आपने पर्स स्लीव की ड्राफ्टिंग में सीखा था, और नीचे उसमें कफ या वो फिटेड होता है। इसे हम एक फ्रेंच वर्ड गिगॉट स्लीव के नाम से भी जानते हैं। गिगॉट स्लीव इसे कहते हैं क्योंकि गिगॉट वर्ड का जो मीनिंग है वो अनयूजुअल या यूनिक शेप से लिया जाता है। क्योंकि ये स्लीव टॉप शोल्डर पर बहुत ज़्यादा फूली हुई होती है, इसलिए इसे गिगॉट स्लीव के नाम से भी जाना जाता है। इस स्लीव को आगे ड्राफ्टिंग करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस स्लीव को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। लेगो मटन स्लीव इज ए टाइप ऑफ स्लीव दैट हैज ए लॉट ऑफ फुलनेस अराउंड द शोल्डर बाइसेप एरिया बट इट इज फिटेड अराउंड द फोर आर्म और रिस्ट। यानी कि ये वो स्लीव है जो कि प्लीट्स या गैदर्स के थ्रू, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है कि प्लीट्स या गैदर्स के थ्रू या आर्महोल पर बहुत ज्यादा पफ या गैदर्स या प्लीट डालकर उभार लाकर बनाई जाती है, और फिर ये एल्बो से लेकर रिस्ट तक टेपर्ड होते हुए फिटेड हो जाती है, यानी कि नॉर्मल स्लीव के समान दिखाई देती है। बाइसेप एरिया पर ये बहुत ज्यादा फुलवी होती है, और टॉप पर जो इसमें फुलनेस लाई जाती है वो टॉप पर फुलनेस इसमें गैदर्स या प्लीट्स के थ्रू लाई जाती है। ये स्लीव का वह टाइप है जो कि लगभग 1820 से लेकर 1830 तक बहुत ज़्यादा ये फैशन में आया था। उसके बाद ये फैशन से आउट हो गया, फिर अगेन 1870-1880 के आसपास ये फिर से फैशन में आया। ये स्लीव की जब विशेषताएं देखें तो आपने जैसे पफ स्लीव का ड्राफ्ट बनाया था कि पफ स्लीव जैसे हमने बनाई थी बिल्कुल उसी तरीके से ये बनाई जाती है, लेकिन ये थोड़ी लॉन्ग होती है और एल्बो से लेकर रिस्ट तक ये टोटली फिटेड होती है। इस स्लीव के फीचर्स हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि दिस स्लीव इज फुली टॉप गैदर्ड और प्लीटेड इनटू आर्म होल, यानी कि आर्म होल पर बहुत ज्यादा गैदर्स या प्लीट्स डालकर इस स्लीव को बॉडी पार्ट में फिट किया जाता है। जनरली इसका इफेक्ट बहुत अच्छा लाने के लिए इसे स्ट्रेट ग्रेड में नहीं कट करके बायस ग्रेड में कट किया जाता है और फिर इसे बनाया जाता है। इट इज टेपर्ड टू रिस्ट वेयर इट लुक लाइक ए रेगुलर स्लीव। उसके बाद इसे फोर आर्म यानी कि एल्बो से लेकर रिस्ट तक इसे टेपर्ड करते हुए पूर्णतया फिट कर दिया जाता है। इट कैन बी डिजाइन इन टू वे, यानी कि दो तरीके से बनाई जा सकती है, वन पीस एंड टू पीस। वन पीस स्लीव लेगो मटन का वह टाइप है जिसमें कि एक ही पीस में पूरी स्लीव को बनाया जाता है और इसे बायस ग्रेड में कट करके बनाया जाता है। क्योंकि इसे एक ही पीस में बनाया जाता है और ये फुल लेंथ में बनाई जाती है, तो ये स्लीव में बनाने हेतु हमें कपड़ा बहुत ज़्यादा काम में लेना पड़ता है। टू पीस स्लीव वो स्लीव होती है जिसमें कि पहले पफ पार्ट एल्बो तक क्रिएट किया जाता है और उसके बाद एल्बो से लेकर फोर आर्म में, यानी कि एल्बो से लेकर रिस्ट तक इसे नॉर्मली कफ लगाकर फिटेड कर दिया जाता है, तो इसे हम टू पीस स्लीव कहते हैं। टू पीस स्लीव में ये वाला पार्ट इसका पफ पार्ट कहलाता है और नीचे वाला पार्ट जो है वो कफ वाला पार्ट कहलाता है। इसे क्रॉस ग्रेन में बनाया जाता है और इसे बायस ग्रेन में बनाया जाता है। ये जो स्लीव वन पीस है इसे टोटली बायस ग्रेन में बनाया जाता है। ये स्लीव बहुत ही सुंदर लगती है किसी भी गारमेंट में, जैसे कि बच्चों की फ्रॉक्स में इसका प्रयोग में लिया जा सकता है, स्पेशली लेडीज के जो पार्टी गाउन्स होते हैं उसमें इनका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। अभी फिर से बच्चे लोगों को, आप लोगों को इस स्लीव बहुत पसंद आती है और बनने के बाद भी बहुत सुंदर लगती है। इस स्लीव का प्रयोग आप जब गैदर्ड फ्रॉक बनाएंगे उसमें कर सकते हैं और एज वेल एज आपको इसका एक सैम्पल भी बनाना है। नेक्स्ट क्लास में गर्ल्स में इसकी आपकी ड्राफ्टिंग के बारे में बताऊंगी कि इस स्लीव को ड्राफ्ट कैसे किया जाता है। ओके गर्ल्स, ठीक है।